हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत और आप सबका गीत किचन में स्वागत है। आज हम नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए गुड़ की लापसी बनाएंगे। इस लापसी को मैंने कुकर में बनाया है, इस वजह से इसे बनाने में बहुत कम समय लगा है और ये 5 से 7 मिनट में बनके तैयार हो गई है। गुड़ की लापसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम गेहूँ का दलिया लिया है। इसके साथ ही यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देसी घी लेना है। 100 ग्राम से थोड़ा कम गुड़ लेंगे। 1 बड़ा चम्मच चॉप किए हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स, 3 से 4 छोटी इलायची का पाउडर और 1/2 लीटर यहाँ पर पानी लेना है। लापसी बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ का पानी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए 1/2 लीटर पानी को सबसे पहले गर्म कर लें। पानी जब हल्का गर्म हो जाए इसमें गुड़ डालें और अब इसमें उबाल आने देंगे। कुछ देर के बाद जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए फ्लेम ऑफ कर लें और इसे कवर करके साइड में रख दें। पाँच मिनट के बाद गुड़ पानी में अच्छे से घुल गया है। अब इसे हम छानेंगे। छानने के लिए मैंने यहाँ पे चाय वाली छन्नी ली है। गुड़ के पानी को चाय की छन्नी से छानकर निकाल लेंगे। अब हमारा गुड़ का पानी बनकर तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। अब हम दलिया को सेक कर तैयार करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी गरम कर लें। घी को हमें मीडियम फ्लेम में गरम करना है। घी जब हल्का गरम हो जाए इसमें 100 ग्राम दलिया डालें और इसे मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए सेक लें। लापसी बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे कम घी के साथ भी उतना ही अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पर आप घी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लापसी उतनी ही अच्छी बनेगी। करीब 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम में सेक लेने के बाद जब इसमें हल्का गुलाबी कलर आने लगे और इसमें से हल्की खुशबू आने लगे इसमें हम तैयार गुड़ का पानी ऐड करेंगे। गुड़ के पानी को हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है, इसे एक साथ इसमें ना डालें। सारा गुड़ का पानी ऐड कर लेने के बाद अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए फ्लेम ऑफ कर लें और इसे गैस से नीचे उतार लें। यहाँ पर हम लापसी को कुकर में बना रहे हैं तो अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दूसरे बर्तन में निकाल लेने के बाद इसे एक बार मिला लें और अब इसमें हम चॉप्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने के बाद अब इसे कुकर में रख कर पकाएंगे। कुकर में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें अब हम 3 से 4 छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर लेते हैं। इलायची के पाउडर को आप पहले भी ऐड कर सकते हैं। इसे एक बार फिर से मिला लें। अब हम कुकर का ढक्कन लगा कर इसमें 3 सीटी आते तक के इसे पका लेंगे। कुकर में 3 सीटी आ चुकी है। अब हम फ्लेम को स्लो में कर लेते हैं और इसे स्लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। 5 मिनट स्लो फ्लेम में पका लेने के बाद फ्लेम ऑफ कर लें और कुकर को कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। जब कुकर पूरी तरह ठंडा हो जाए इसका ढक्कन खोलकर इसमें से लापसी को बाहर निकाल लें। कुकर से निकाल लेने के बाद अब हमारी गुड़ की लापसी बनकर तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस लापसी को आप ठंडा या गर्म दोनों तरीक़ों से खा सकते हैं, ये बहुत अच्छी लगेगी। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के प्रसाद के लिए इसे आप ज़रूर बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।